नमस्कार, मैं प्रियंक श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक अभिनव एवं रोचक नवाचार के बारे में आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको छात्रों द्वारा अधिगम मूल्यांकन से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य के नवाचार शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन। इस गतिविधि के अंतर्गत शिक्षक ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई ताकि वह बच्चों के जो फीडबैक हैं, उनको क्या पठन पाठन में रुचि है नहीं है, जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उनको रुचिकर लग रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इन सारी चीजों को जानने का प्रयास किया ताकि वो अपने शिक्षण प्रक्रिया को भी सुधार सके। साथ ही साथ जो TLM इस्तेमाल करते हैं वो और सरलतम तरीके से उनके सामने प्रस्तुत कर सके और रोचक तरीके से पाठ प्रस्तुत कर सके। इन सभी चीजों के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने इस गतिविधि का निर्माण किया। लेकिन होता यह है कि विद्यार्थी के मन में झिझक होता है, वह शिक्षक के प्रति कोई भी भाव प्रकट करने से डरता है या वह स्पष्ट रूप से सही उसके मन में जो भाव है वह शिक्षक सामने नहीं रखता। तो इसके लिए ही शिक्षक ने छात्रों द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन गतिविधि का निर्माण किया। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले श्यामपट पर एक फीडबैक सैंपल में बनाकर लिख दिया और बच्चों से कहा कि आप उतार लीजिए। इस फीडबैक में शिक्षक ने सबसे पहले कॉलम में कुछ लिखा कि क्या उनको पढ़ाया गया पाठ प्रसंग रुचिकर लगा, समझ में आया, इस तरीके से। उसके आगे फिर उन्होंने कॉलम बनाया सहमति असहमति और फिर नीचे वो अपने बच्चा टिप्पणी भी दे सकता है। इस तरीके से उन्होंने जो भी जितना भी संभव हो अपने अपनी इच्छानुसार तैयार कर सकते हैं किया और बच्चों को नोट डाउन कराया और फिर बच्चों को उस फीडबैक को भरने से पहले काउंसलिंग किया ताकि उनके मन में किसी प्रकार का भय न रह जाए। और जब प्रॉपर काउंसलिंग कर लिया फिर उन बच्चों को कहा कि आप इसको भरिए। शिक्षक को जब वो फीडबैक प्रपत्र प्राप्त हुआ तो उन्होंने उसको देखा, देखने के बाद बच्चों के साथ जहां कहीं उनको जरूरी लगा चर्चा भी किया और जहां उनको लगा कि ये जो चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं इसको मैं अपने शिक्षण प्रक्रिया में किस तरीके से अडॉप्ट कर सकता हूँ और उसको अडॉप्ट करके उसको शामिल करके उन्होंने आगे की कार्ययोजना बनाई ताकि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच एक घनिष्ठ संबंध बन सके और विद्यार्थी बगैर हिचक के वह अपने हेजिटेशन को दूर करके शिक्षक के सामने अपनी बात को रख पाए और शिक्षक भी बच्चों को बेहतर से बेहतर तरीके से उसका अध्यापन करा सके। इससे विद्यालय के अंदर बच्चों की उपस्थिति बढ़ेगी और साथ ही साथ बच्चों का जो लर्निंग आउटकम का जो लेवल है वह भी इंक्रीज होगा। हम आशा करते हैं कि यह नवाचार आपको अच्छा लगा होगा और इसे आप अपने कक्षा और विद्यालय में अवश्य लागू करेंगे। इस तरह कई बेहतर नवाचार हम आपके बीच लाते रहेंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे ZIIEI का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे ZIIEI का फेसबुक पेज भी जरूर लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।